आज की इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ जर्नी को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि स्टूडेंट लाइफ से मैं कैसे यूट्यूबर बन गया, और जब मैं यूट्यूबर बना तो उसके बाद मैं रीसेलिंग बिजनेस में घुस गया, और रीसेलिंग बिजनेस में जैसे ही गया तो टोटली मैं ई कॉमर्स के फील्ड में आ गया, और फाइनली मैंने पूरा कंप्लीटली अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तो अगर आप मेरी इस स्टोरी को सुनोगे तो आपको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे मैंने स्टार्ट किया और कैसे आज एक बड़े बिजनेस को मैं चला रहा हूं और अपनी खुद की ब्रांड बना के अपने बिजनेस को चला रहा हूं और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, मैं आगरा के एक छोटे से गांव से हूं। मैं गांव में रहता था और उस समय मैंने 9th किया 10th किया, और उसके बाद मेरे को ख्याल आया कि अब भाई सिटी में निकलना चाहिए और कुछ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी। तो हम आगरा के एक अच्छे स्कूल में आ गए जिसका नाम था REI, यानी राधा स्वामी इंटर कॉलेज। REI जो स्कूल है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आगरा में। राधा स्वामी एक संस्था है, उनकी द्वारा खोला गया ये स्कूल है। इसमें एडमिशन लेना भी बहुत मुश्किल होता है, तो मैंने इसमें एडमिशन लिया और मैंने कॉमर्स से 11th 12th की पढ़ाई की। उसके बाद भाई बात आई ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में सभी लोग बड़े परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा कि यार 11th 12th मैंने कॉमर्स से किया है तो ग्रेजुएशन में या तो मेरे को BBA करनी चाहिए या BCOM करनी चाहिए। तो मैंने फाइनली दोनों का फॉर्म भर दिया और उसके बाद मेरा नंबर आया DEI कॉलेज यानी कि दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, और उससे मैंने BCOM की। BBA में मेरा नंबर नहीं आया, मेरा BCOM में नंबर आया। और आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जैसे ही REI में पहुँचा था, 11th 12th कर रहा था, जब भी से मेरे को इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की लत लग गई। मैं लोगों के ब्लॉग पढ़ता था, वीडियोज देखता था, और वो छोटा वाला कीपैड वाला फ़ोन आता था उसमें मैं ये सारी चीज़ें करता। अब जैसे ही TI में पहुंचे यानी कि कॉलेज में पहुंचे, तो वहां पर एक कंप्यूटर रखे हुए थे, कंप्यूटर लैब बोलते थे, क्या बोलते थे एग्जैक्ट मेरे को अभी याद भी नहीं। तो वहां पे जाके इंटरनेट चलाता था मैं, और वहां पे ये मालो क्लास छोड़ छोड़ के घंटों बैठा रहता था। सुबह का जाता, शाम को पूरी पूरे दिन वहीं पे बैठा रहता था। तो वहां से मेरी नॉलेज बढ़ना शुरू हो गई। अब भाई हुआ क्या कि एक दिन की बात है, एक लड़की थी हमारे कॉलेज में, और वो मेरे को बोलती है कि रोहित यार तेरे को इंटरनेट टेक्नोलॉजी की इतनी अच्छी नॉलेज है तो मुझे कोई अच्छा सा लैपटॉप दिलवा दे। और उस समय मेरा एक दोस्त था, वो रिफर्बिश्ड लैपटॉप का काम करता था, तो मैंने अपने दोस्त से बोल के उस लड़की को लैपटॉप दिलवा दिया, और उसके बाद मैंने उस लड़की को वो लैपटॉप दे दिया। अब हुआ क्या कि वो लड़की जब उस लैपटॉप को यूज कर रही थी तो उसे चार्जिंग में कोई समस्या आ रही थी। अब भाई चार्जिंग में समस्या आ रही, वो तुरंत मेरे पास आई कि मेरे को ये लैपटॉप नहीं चाहिए। तो मैंने कहा कि यार लैपटॉप नहीं चाहिए, अब क्या किया जाए। तो मैंने अपने दोस्त से बात की, उसने बोला कि यार ये तो यूज किए हुए लैपटॉप होते हैं, सेकंड हैंड होते हैं, तो ये रिटर्न तो हो नहीं सकता। तो मैंने कहा अब तो यार मैं फंस गया, 3000 के चक्कर में बीच में मैं आ गया, वो लड़की मेरे को लैपटॉप दे गई। तो मैंने लड़की को बोला देख यार वो पैसे देने से तो मना कर रहा है, लैपटॉप की मुझे ज़रूरत है, तो क्या इस लैपटॉप को मैं रख लूँ। तो उसने बोला कि तू रख ले और मेरे को धीमे धीमे पैसे वापस कर दियो। तो मेरे पास इस तरीके से लैपटॉप आ गया। अब भाई जब लैपटॉप आया, उस समय जियो तो आया था, तो हम हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके खूब सारा नेट चलाते थे, और घर पे मेरे लैपटॉप आ गया तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया और घर पे ही सारी चीज़ें सीखना शुरू कर दिया। मैंने वेब डिजाइनिंग सीखी, मैंने एप्लीकेशन बनाना सीखे, मैंने यूट्यूब के बारे में सीखा, मैंने वेब ब्लॉगिंग करना सीखा, सारी चीज़ें सीखी। उसके बाद फाइनली मैंने सोचा कि देखो यूट्यूब का ट्रेंड बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो मेरे को भी अपना यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। तो हुआ क्या कि मैंने उस समय यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, विदाउट फेस वीडियो, जिसमें मैं अपना चेहरा नहीं दिखाता था, बस फोटो लगा देता था और पीछे अपनी वॉइस लगा देता था। तो उस तरह की मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया, और वो वीडियो मेरी मोटिवेशनल वीडियो थी, बिजनेस के बारे में वीडियो थी। तो जैसे ही मैंने डाला कि इसने बिजनेस में ये सक्सेस हासिल कर ली, इसने ये सक्सेस हासिल कर ली, तो मेरी वीडियो चलना शुरू हो गई। अब आपको बताना चाहूंगा कि जब मेरी वीडियो चल रही थी उस समय जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, तो यूट्यूब चैनल पर जिस दिन से काम करते थे उसी दिन से इनकम होना शुरू हो जाती थी, कोई भी कंडीशन वगैरह नहीं थी। तो हुआ क्या कि जैसे ही मैंने एक महीने काम किया, मेरे $107 इनकम हो चुकी थी यूट्यूब के माध्यम से। अब $107 जो इनकम हुई थी वो हुई थी 6200 के लगभग, 6000 थी यानी 6100 कुछ रुपए थी, तो 6000 के लगभग थी। उस समय 60 रुपए का डॉलर चल रहा था, तो डॉलर की कीमत 60 रुपए के हिसाब से थी। तो भाई मेरा पहला पेमेंट आया, तो मैंने उस लड़की को सबसे पहले जाके पेमेंट कर दिया कि ले भाई ये तू पैसे ले ले। अब मैंने देखा कि यार इसके पैसे तो चुकाने हैं, तो कुछ और भी करना पड़ेगा, अपने खर्चे भी चलाने हैं, तो मैंने BCOM के साथ ही साथ जॉब करना भी शुरू कर दिया।
और जो चीज मैं सीख चुका था जैसे वेबसाइट वगैरह और वीडियो वगैरह एडिटिंग वगैरह, तो मैंने एक अंकल जी थे यानी कि वो एक कंपनी चला रहे थे, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया और उनको मैंने पूरी जानकारी दी कि आप इस तरीके से अपने बिजनेस का प्रमोशन ऑनलाइन करिए और मैं आपकी उसमें हेल्प करूंगा वीडियो के माध्यम से, आर्टिकल लिख के। तो उनके साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो मेरे को 6,000 रुपये सैलरी देते थे और 6-7 हज़ार रुपये की मेरी YouTube से इनकम हो जाती थी। तो 10-12 हज़ार रुपये महीने की मेरी इनकम हो गई फिक्स। अब मेरा खर्चा इतना था नहीं, वहाँ पे 2-2,500 रुपये का मेरा महीने का खर्चा था और सीधा सीधा मेरे 10,000 रुपये बचते थे। समय बीतता गया, मैंने उस लड़की के पैसे चुका दिए और लैपटॉप हो गया अपना। और उसके बाद मैं आगे काम किया तो मैंने एक अच्छा सा मोबाइल खरीदा, रिंग लाइट खरीदी, माइक खरीदा और बढ़िया से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। और देखते देखते पता नहीं चला कब DI को छोड़ने का समय आ गया, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद भाई अब आगे क्या करें, तो पैसा तो कमा रहा था, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपये कमा रहा था, लेकिन अब भाई ये सोचना था कि अब करना क्या है, आगे पढ़ाई करनी है या कुछ और करना है। तो मैंने सोचा कि एक काम करता हूं, अपने यूपी को छोड़ के मैं राजस्थान चले जाता हूं, क्योंकि राजस्थान मेरे भाई जॉब कर रहे थे, तो मैं यूपी को छोड़ के राजस्थान भाई के पास चला जाता हूं। एक मस्त सा फ्लैट था, 2 रूम थे, आराम से वहीं पर पड़ा रहता था और पूरे दिन वीडियो बनाना, और कोई काम ही नहीं था। और पूरे दिन जब मैं वीडियो बनाता, एडिटिंग करता, लोगों को फ्रीलैंसिंग सर्विस देता था, किसी को वेबसाइट बनवानी है, एप्लीकेशन बनवानी है, तो मैं बना के देता था। अब हुआ क्या कि इसी बीच मुझे एक कंपनी के बारे में पता चला जिसका नाम था मीशो, और मुझे पता चला मीशो कंपनी ऑफर दे रही है कि उनके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को आप सेल करा सकते हैं और जितनी रेट वो दे रहे हैं उससे ज़्यादा में सेल कराओगे तो वो आपका प्रॉफिट होगा। तो इस बिजनेस को इंडिया में रीसेलिंग बिजनेस बोलते थे। और मैंने उस एप्लीकेशन को यूज किया और यूज करने के बाद क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन कर दिया कि किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है वो मुझसे खरीद सकता है। और इस तरीके से बहुत सारे लोग मेरे चैनल के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए और मैं वहां से मीशो के प्रोडक्ट उन ग्रुप में डालता और लोग मुझे ऑर्डर देते और मैं मीशो में बढ़ा के ऑर्डर लगाता। जैसे कोई प्रोडक्ट 200 का है तो मैं आगे 300 रुपए का बताता था जो भी ग्रुप में मेंबर होते थे। अब कोई मेरे को ऑर्डर लगवाता था तो मैं 100 रुपये एक्स्ट्रा मेरे को कमीशन मिल जाता था पर ऑर्डर पर, और मेरी बहुत अच्छी सेल निकल रही थी। तो हुआ क्या कि जो 12,000 की कमाई थी वो लगभग 18,000-20,000 होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, मैं मीशो से रीसेलिंग तो करता हूँ लेकिन दूसरों को भी बताऊँ कि इससे रीसेलिंग कैसे कर सकते हैं। और मीशो में उस टाइम पे ऑफर था कि कोई भी आपके लिंक के थ्रू मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो 250 रुपये मिलेंगे और उसकी इनकम का आपको लाइफ टाइम तक परसेंटेज था, इतना परसेंट मिलेगा। तो ऐसे था, वो स्टार्टिंग के ऑर्डर पे 25% मिलेगा और फर्स्ट डाउनलोड पे 250 मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा प्लान था उनका। तो मैंने क्या किया कि अपना एक YouTube चैनल बनाया जिसका नाम रखा वी मेक रीसेलर, और वहां पे मैंने रीसेलिंग के बारे में वीडियो बनाना शुरू कर दिया कि मीशो से ऐसे कमाई कर सकती हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और वहां से बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया मीशो को, और मीशो को डाउनलोड करना शुरू किया, रीसेलिंग शुरू की, और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था तो मेरी वीडियो भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो जो यूट्यूब से कमाई हो रही थी वो मेरी बढ़ के 35-40 हज़ार रुपये पे पहुंच चुकी थी, केवल यूट्यूब की कमाई। इसके अलावा जो मीशो का मैंने प्रमोशन किया था तो वहां से मेरे को हर हफ्ते 14,000-15,000 ऐसे रुपए मिलना शुरू हो गए, यानी कि महीने की बात करें तो 50-60 हज़ार रुपये मीशो से मेरे सीधे सीधे रेफर से कमाई हो रही थी। इसके अलावा मैं प्रमोशन कर रहा था तो मेरी जो टोटल कमाई हो रही थी 1,00,000 रुपए से ऊपर हो रही थी। तो आप खुद सोचिए, जो बंदा बस एक टाइम पे 6,000 रुपए कमा रहा था वो एक साथ 1,00,000 रुपए से ऊपर की कमाई कर रहा हो तो वो क्या नहीं कर सकता था। तो भाई हुआ क्या कि देखते देखते ये सारी चीज़ें चल रही और मैंने रीसेलिंग को कर दिया बंद, क्योंकि मेरे को वीडियो बनानी होती थी तो उसमें पूरा फोकस रहता था, क्लाइंट से बात करना मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, फ्रीलैंसिंग में कंटिन्यू कर रहा था। तो इसी बीच मेरे वो चैनल ग्रो कर रहा था बीमेक रीसेलर, तो मैं लगातार उसी चैनल पर वीडियो बना रहा था और उसी पर रीसेलर को बता रहा था कि कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे सेल बढ़ा सकते हैं, कहां कहां सेल कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी कंपनियों की वीडियो बनाने लगा, ग्लो रोड वगैरह, और वहां से भी मेरी अच्छी खासी कमाई होना शुरू हो गई। अब भाई कभी कभी क्या होता है, जब पैसा बहुत सारा हो जाता है तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। सेम मेरे साथ भी हुआ, पैसा तो काफी सारा हो गया, अब करना क्या है भाई साहब, अकाउंट में डले 18,00,000-20,00,000 रुपए, अब करना क्या है, ये एक बड़ा सूता। तो हमने सोचा कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन बिजनेस कभी जिंदगी में ना तो हमने किया ना हमारे घर वालों ने किया। तो हमने सोचा कि यार बिजनेस करेंगे पैसा लगेगा, वही डर था। तो हमने कहा कि यार क्या करें, तो हमने उन पैसों की जो कि हर मिडिल क्लास फैमिली करती है एक जमीन खरीद के डाल दी, और अपने अकाउंट को जो 18,00,000-20,00,000 पे बोल रहा था वो 10,000 पे आ गया। अब भाई जमीन खरीद दी तो शांति मिल गई, अब द्वारा से उमंग जगी, भाई काम तो कुछ ना कुछ करना है।
अब मैं चला गया, जब कोविड आया था, कोविड के टाइम पर मैंने क्या किया कि मैंने मास्क का काम शुरू कर लिया। अब जब मैंने मास्क का काम शुरू किया, जब मेरे को समझ में आया कि यार बिजनेस में बहुत पैसा है, बिजनेस करेंगे जब ही अमीर बन पाएंगे, क्योंकि कोविड के टाइम पे मास्क वगैरह हद से ज़्यादा सेल हुए थे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया था। और मेरे को ई कॉमर्स का सारा सिस्टम समझ में भी आ गया था, ऑनलाइन कैसे माल निकलता है, कुरियर कैसे होता है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सेल कैसे होता है, पूरी जानकारी मेरे को मिल गई। उसके बाद हुआ क्या था, मैंने मास्क में से पैसा अच्छा कमाया, तो मैंने सोचा कि अब तो भाई अपने शहर वापस चलते हैं। तो जो ज़मीन खरीदी थी वहाँ पे मैंने अपना घर बनवा लिया था, जो कि मेन सिटी में था, मेन सिटी में मैंने ज़मीन खरीदी थी। और उसके बाद मैं वहाँ पे आ गया, अपने घर पे रहने लगा। और फिर मैंने प्लान बनाया कि देखो भाई अब तो घर भी हो गया, टेंशन फ्री हो गई, और अब हमें कुछ काम करना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा कि हमारे आगरा में जूते की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो हमने जूते की मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट किया, और उसके बाद फाइनली हमने अपना जूते का बिजनेस शुरू कर दिया। जूते का बिजनेस जब शुरू किया तो हमने मीशो, फ्लिपकार्ट, ग्लोरोड, शॉपसी, इन प्लेटफॉर्म पर जूते सेल करना शुरू कर दिया, अपना ऑफिस बना लिया, और वहीं से हम माल बेचना शुरू कर दिए। उसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आ गए और दूसरे लोगों को सर्विस देने लगे कि आपको अगर ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लो, अगर आप करना चाहते हो सच में तो प्रोडक्ट भी हम देंगे, काम भी हम ही शुरू कराएंगे, सारी चीज़ें हम आपके हैंडल करेंगे, सब कुछ हम समझाएंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसे होता है। तो अब कंटिन्यूसली हम लगातार बिजनेस में जाते जा रहे हैं और लगातार बिजनेस करते भी जा रहे हैं। तो ये था शॉर्ट में मेरी ज़िंदगी, जो कि मेरा यूट्यूब वाला सफ़र, स्टूडेंट वाला सफ़र, बिजनेस वाला सफ़र आपको समझ में आ गया होगा, रीसेलिंग वाला सफ़र। तो ये पूरे लाइफ सर्कल था, अभी ये कंटिन्यूसली चल रहा है, और आज के टाइम पर काफ़ी अच्छा पैसा हम कमा रहे हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ की थी। जब हम आगरा आए थे तो हमारा एक फ्लोर वाला घर था, आज 3 फ्लोर वाला घर है, 3rd फ्लोर पे मेरा ऑफिस है जहां से मैं सारी चीजों को मैनेज करता हूं। तो आप लोगों को ये स्टोरी सुनके काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पैसा स्टार्टिंग में होना चाहिए, आप मैनेज कर सकते हैं चीजों को, और उसके बाद आप अच्छा खासा एक समय पे पैसा कमा सकते हैं।